आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी ना किसी सूरत में कर ही रहे हैं, जैसा कि गूगल मैप और गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में इंसान ने इतनी कामयाबियां हासिल कर ली हैं कि अब वो अपनी ही तरह सोचने, समझने और दिमाग का इस्तेमाल करने वाली मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करने की सलाहियत रख सकती है। इसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस दौर की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। इसे उर्दू में मस्नूई ज़हानत कहा जाता है। सादा अल्फाज में किसी कंप्यूटर या मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो सोचने, समझने और इंसान की तरह काम करने की सलाहियत रख सके। इसी सारे अमल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक शाख है। ये जो इंटेलिजेंस की ताकत है, इंसान के अंदर खुद ब खुद बढ़ती रहती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर या कुछ छूकर, ठीक उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है, जो कि इंसानों की तरह ही काम करता है। दरअसल इस सब के पीछे का मकसद ये है कि इंसान सोचने, एनालाइज करने और याद रखने का काम भी मशीन से कराना चाहता है। इसलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह इंसान अपने माजी के तजर्बात से बहुत कुछ सीखता है, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम भी पिछले डेटा की बुनियाद पर बहुत कुछ सीखता है। किसी भी नई चीज़ की इजाद में एक अच्छा सवाल उस चीज़ की इजाद का बायस बनता है। इस दुनिया में आज तक जितनी भी इजादात हुई हैं, उन सब के पीछे किसी न किसी एक सवाल का अमल दखल ज़रूर था। मिसाल के तौर पर जब हवाई जहाज़ की इजाद हुई थी, तो उसके पीछे एक ये सवाल था कि क्या इंसान हवा में उड़ सकता है। इसी एक सवाल की वजह से हवाई जहाज़ जैसी बेहतरीन इजाद मुमकिन हो सकी। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी एक ही सवाल था कि क्या मशीन सोच सकती है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ बेहतरीन फवायद के बारे में जानते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा यह है कि इसमें गलती की गुंजाइश कम से कम होती है। इसके काम करने की सलाहियत काफ़ी एक्यूरेट होगी, यानी इंसान के किए जाने वाले काम में कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। मगर चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश कम से कम होती है। इंसान के काम करने की एक हद होती है, उस हद से ज़्यादा इंसान काम नहीं कर सकता, मगर इसके मुकाबले मशीन 24-24 घंटे तक काम करने की सलाहियत रखती है। ये भी इस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन फ़ायदा माना जाता है। इसका सबसे बेहतरीन और बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंसान जिन जगहों पर काम करने की रसाई नहीं रख सकता, वहाँ पर यह टेक्नोलॉजी बहुत करामत साबित होगी। मिसाल के तौर पर जैसे समंदर की गहराई में जाकर काम करना, या किसी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लंबाई पर जाकर काम करना जहां इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा दरपेश हो, वहां पर इस टेक्नोलॉजी से काम करने वाली मशीनें बहुत ही ज़्यादा करामत साबित होंगी। इन मशीनों से हसास तरीन ऑपरेशन भी कामयाबी से हो पाएंगे, जैसा कि न्यूरालिंक के प्रोसेस में इंसान के दिमाग में एक चिप इम्प्लांट की जाएगी। अगर आप न्यूरालिंक के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन में हमारी वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करें और जानें इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह एक टेक्नोलॉजी के फवायद होते हैं,
उसी तरह उसके नुकसानात भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नुकसानात की। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा अगर खुद से सोचने और फैसला लेने वाली मशीन इंसान के खिलाफ हो जाएं, तो ये इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार होने वाली मशीनों के लिए भारी लागत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मशीनें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं। इनकी मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए भारी लागत की ज़रूरत होती है। इसका सबसे बड़ा एक और नुकसान ये भी माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनें इंसानों को रिप्लेस कर देंगी, तो इससे बेरोज़गारी के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही और बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल ना किया तो इसके नतायज भी बड़े संगीन हो सकते हैं, और यही हकीकत है।